देखो नव पाषाण काल यही था ना जी, नव पाषाण काल। इसके कई नाम है बताया गया ना, इसके कई नाम है बताया गया ना कि कई नाम है पाल, कितने नाम थे इसके नव पाषाण काल के, अन्य नाम कितने हैं जो लोग पढ़े उनको चार ना। नव पाषाण काल के अन्य नाम भी है, पहला कौन सा युग, पहला अनुत्पादक युग, उत्पादक, सुनिए अन्न उत्पादक युग, ठीक अन्न उत्पादक युग, दूसरा अस्थाई निवास युग, अस्थाई निवास युग, प्रौद्योगिकी युग, और तीसरा प्रौद्योगिकी युग, एक चीज और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं नियोलिथिक ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज हो गया। एक चीज देखिएगा नियोलिथिक एज के, अब एक चीज और देख लीजिए आप लोग कि अन्न उत्पादक युग को, ठीक ना, एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं क्या, इस अन्य उत्पादक युग को नव पाषाण काल में इसको क्या कहा जाता है, कृषि युग, कौन सा युग, कृषि युग, कृषि युग, कौन सा युग, कृषि युग, ठीक है, कृषि युग के नाम से भी जाना जाता है, अन्य उत्पादक युग को कृषि युग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, ठीक है ना, कि आदिमानव ने इसमें क्या खोजा था, आदिमानव ने इसमें क्या खोज की थी, पहली खोज क्या की थी, पहिए की, ठीक ना, और दूसरी खोज क्या किया था इन्होंने, मृद भांड की, किसका, मृद भांड की, किसकी, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन की, ठीक ना। अब औजार हथियार की बात करें, जो सुनो जो घरेलू उपकरण थे, क्या थे घरेलू उपकरण, जिनसे वो कार्य करते थे, जो मतलब कि जो कार्य करने में या किसी भी काम के लिए उपयोग माने जाते थे, ठीक ना, आई बात समझे। तो देखो घरेलू में इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तो दो चीज इन्होंने कर लिया था, देखो ध्यान से, घरेलू उपकरण के रूप में, घरेलू उपकरण में कौन कौन सा औजार था इनका, तो अगर कहा जाए कि भाई घरेलू उपकरण के रूप में कौन कौन सा औजार था, ठीक ना, घरेलू उपकरण के रूप में कौन कौन सा उपजार था, तो देखिए जैसे सबसे पहले, जैसे आप आज के जमाने में देखो एक क्या कहते हैं, हथौड़ी, क्या कहते हैं, हथौड़ी, ठीक ना, ओखल, ठीक ना, ओखल जो धान कूटने के काम आता है ना, ये सभी इनके पास था। जैसे छेनी, इसके बाद आज के परिवेश में नाम लेते हैं ना खुरपा, ये सब चीजें थे ना काटने के लिए, ठीक है, इसके बाद कुदाल, कुदाल, इसके बाद हल, ये सब चीजें, गड़ासा, ये सब चीजें क्या थे, ये सब इनके औजार थे, ये सब इनके औजार थे। और ये सामाजिक में कब से, यानी कि ये समाज में देखो आज के आधुनिक युग के लिए इन्होंने क्या दिया था, देखो सबसे पहले दिया था इन्होंने कृषि करना, क्या करना, कृषि करना सिखा दिया, और दूसरा क्या सिखा दिया, पशुपालन, क्या सिखा दिया, पशुपालन भी सिखा दिया था इन्होंने, आयो समय पशुपालन भी सिखा दिया था। हमने एक चीज पूछा था कि नव पाषाण काल में, पाषाण काल की नहीं, नव पाषाण काल में कौन सी पशु के पालन की बात आती है, भेड़िया, भेड़िया, बकरी ना, कुत्ता तो पहले से ही पाला जा रहा था, नव पाषाण युग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसकी बात देखो, एक चीज और देखिए आप लोग, अगर इसके समय की बात चर्चा करें, देखो इधर समय की चर्चा करें तो कई मतभेद हैं इसमें, समय की चर्चा पे कई मतभेद है ना, कई नियम है, कई नाम है। सबसे पहले देखो पहला कंडीशन देखिए, इधर 9000 से 4000 ईसा पूर्व पहली बात, दूसरा 9000 से 5000 ईसा पूर्व, तीसरा 7000 से 1000,
और तीसरा क्या था? 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक ना, 1000 ईसा पूर्व तक आया समझ में। और खास करके इसी को अधिक माना जाता, माना जाता है ना, 7000 से 1000 ईसा पूर्व, कुछ मामलों में इन सबको लिया जाता है, नहीं तो नहीं लिया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये 9500 कर लीजिएगा, 9500 से 5000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक आए वसन में। अब इसके बाद एक चीज और बताया था हमने कि इसका जनक, या चाहे इसका चर्चा सबसे पहले किसने किया था? लेवेनवाक ने, किसमें? अपनी पत्रिका हिस्टोरिका में, किसमें? अपनी पत्रिका हिस्टोरिका में, ठीक है आए वसन में। अब देखो, नौ पाषाणकार के भारत में स्थल, ठीक है ना, भारत में स्थल, ये सब तो हो गया ना, हाँ ये सब तो कर लिया आपको। अब देखना, नौ पाषाण काल के भारत में स्थल ऐसे लिखिएगा आप लोग, चलो लिखो, लिखना आप शुरू करो, नौ पाषाण काल के नवपाषाण काल करें कि भारत में स्थल, लिखवाए हैं, कितने भाग में बांटा गया था इनको? तीन भाग में। पहला पहला कौन सा था? कौन सा था पहला भाग? कर्नाटक। कौन सा? देखो इधर, कर्नाटक वाला हिस्सा आता है, देखो इधर, कर्नाटक वाला हिस्सा, ठीक है ना। देखिए दूसरा आंध्र प्रदेश, दूसरा कौन सा? आंध्र प्रदेश। हो गया आंध्र प्रदेश। और चौथा क्या था? मुख्य रूप से जो भारत के स्थल है, तमिलनाडु, तमिलनाडु आए वसन में। ये सब चीजें हैं मुख्य रूप से जो कहा जाता है, ठीक ना आए वसन में। जैसे देखो कर्नाटक में, अगर कर्नाटक की बात की जाए, कर्नाटक में तो कितने स्थान है यहाँ पे, ठीक है। कर्नाटक में कोला लिखना, लिखो कर्नाटक में कोला, मास्की नामक स्थान है। दूसरा ब्रह्मगिरी, लिखो मास्की। इसके बाद ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। अगला सगन तल्लू नाम है स्थान का, सगन तल्लू। सगन तल्लू हो गया। अगला पितकी हल, इसके बाद नसीरपुर, लिख लीजिएगा पितकी हल, पितकी हल स्थान का नाम है। इसके बाद नसीरपुर, सबके बारे में पढ़ा देंगे आपको, कहाँ क्या है कुछ, अरे कहाँ पे कौन सा स्थान है नसीरपुर, ठीक। अब इसके बाद देखो आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में देखना इतनूर, इतनूर नामक स्थान है आंध्र प्रदेश में, इतनूर नामक स्थान। दूसरा अगर पूछे तो नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा नामक स्थान, जहां मुख्य रूप से ये नौ पाषाण कालिक स्थल है। और इसके बाद तमिलनाडु में, ठीक ना, पयमपल्ली, तमिलनाडु में कौन सा स्थान? पयमपल्ली। पयमपल्ली करके तमिलनाडु में पूछ ले, पयमपल्ली। एक चीज और देखिएगा, इधर इधर देख लीजिए एक पॉइंट आप लोग, अगर कह दिया जाए कि नौ पाषाण काल का संस्कृति के आधार पर भारत में कौन कौन से क्षेत्रों का विभाजन हुआ, संस्कृति के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन, संस्कृति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर,
क्षेत्रों का विभाजन, क्षेत्रों का विभाजन, ठीक है। संस्कृति के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन क्या हुआ था, छह जगह, कितने जगह, छह स्थान पे। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और है छठा, ठीक ना। तो पहला स्थान, ठीक है, पहला स्थान देखो, पहला स्थान बिंद क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, बिंद क्षेत्र, यानी जो विंध्याचल पर्वत वाला क्षेत्र आता है, ठीक ना, इसी को कहते हैं कौन सा क्षेत्र, बिंद क्षेत्र। दूसरा स्थान की बात की जाए तो उत्तरी भारत, कौन सा, उत्तरी भारत, उत्तरी भारत की, उत्तरी भारत वाला क्षेत्र, ठीक है। तीसरा की बात की जाए तो मध्य गंगा घाटी, कौन सा, मध्य गंगा घाटी, ठीक ना। तीसरा कौन सा, मध्य गंगा घाटी। चौथा कह दिया जाए तो मध्य पूर्वी क्षेत्र, चौथा में लिख लीजिएगा मध्य पूर्वी क्षेत्र, मध्य पूर्वी क्षेत्र। पांचवे में हो गया, पांचवे में लिख लीजिएगा दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। और छठा और अंतिम लिख लीजिएगा आप लोग, छठवें में लिख लीजिएगा पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। सभी स्थान भारत के हैं, ठीक है ना। नवपाषाण काल का संस्कृति के आधार पर अगर विभाजन कहा जाए, किसके आधार पर, संस्कृतियों के आधार पर, तो इतने क्षेत्रों को बांटा गया, पहला विंध्य क्षेत्र, दूसरा उत्तरी भारत, तीसरा मध्य गंगा घाटी, चौथा पूर्वी मध्य पूर्वी क्षेत्र, छठम पांचवा दक्षिण भारत और छठवा पूर्वोत्तर भारत। इतना उतार लीजिए आपको, इसके बाद तब आगे आपको पढ़ाया जाए। बिंद क्षेत्र, बिंद क्षेत्र, ठीक ना। तो बिंद क्षेत्र सबसे पहले क्या किया जाए, इसके बारे में देखिए कि कहां से कहां तक है, ठीक ना। पहला लिखेगा, पहली पॉइंट लिखेगा इसमें, बिंद क्षेत्र में पहली पॉइंट लिखे, भारत के पश्चिम, भारत के पश्चिम मध्य भाग में, ठीक ना। कोई पूछेगा कैसी पर्वतमाला है, गोलाकार पर्वतमाला, कैसी माला, गोलाकार, गोलाकार पर्वतमाला, गोलाकार पर्वतमाला, ठीक। दूसरी पॉइंट, बिंद क्षेत्र को क्या किया जाता है, उत्तर व दक्षिणी भारत का विभाजक कहते हैं इसको, जो पर्वत है ना विंध्याचल पर्वत, उत्तर व दक्षिणी भारत का विभाजक है, ठीक।
विंध्याचल पर्वत जो है वो भारत को दो हिस्सों में तोड़ता है ना, उत्तर उत्तर भारत और दक्षिण भारत। दूसरी चीज देखिए, कितने राज्यों को यह स्पर्श करता है, ठीक ना, कितने राज्यों को यह स्पर्श करता है, यानी कि समीपवर्ती राज्य। समीपवर्ती राज्य, ठीक ना, समीपवर्ती राज्य कौन कौन से होंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग। समीपवर्ती राज्य कितने राज्यों को, तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गुजरात हो गया, और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग। उत्तर प्रदेश में तो स्थित है ही, उत्तर प्रदेश कौन सा जिला, मिर्जापुर जिला, कौन सा कोई पूछ ले कि विंध्याचल क्षेत्र कहाँ पे है, विंध्याचल क्षेत्र कहाँ पे, उत्तर प्रदेश कौन सा जिला, मिर्जापुर जिला। मिर्जापुर जिला, ठीक ना, आयो समझ में कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र भी स्पर्श करता है, दक्षिण, दक्षिण भाग, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग से यह लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद बिहार, इत्यादि राज्यों को स्पर्श करता है, इतने लोगों को। स्पष्ट करता है, अब विंध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो विंध्य क्षेत्र में सबसे सबसे मेन कड़ी विंध्याचल पर्वत, कैसा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक ना। विंध्य क्षेत्र में कौन आएगा सबसे पहले, सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, विंध्याचल पर्वत, ठीक ना। तो विंध्याचल पर्वत में एक चीज देखना है, एक चीज अगर पूछ दे कि विंध्य क्षेत्र का प्रमुख स्थल कौन कौन सा है, ठीक ना, अवसर में प्रमुख स्थल, ठीक ना, तीन प्रमुख स्थल है विंध्य क्षेत्र के, तीन प्रमुख स्थल देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन प्रमुख स्थल है विंध्य क्षेत्र के। पहला मोहगढ़ा नाम है, कौन सा नाम, मोहगढ़ा, लिख लीजिएगा, विंध्य क्षेत्र के तीन प्रमुख स्थल मोहगढ़ा नाम है। दूसरा कोलडीहवा नाम है स्थान का, मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश में, ठीक। अब इसके बाद एक और है, तीसरा पंचोर, इसका नाम पंचो है। ये तीन स्थान है विंध्य क्षेत्र के प्रमुख स्थल के रूप में जाने जाते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नवपाषाण के लिए कौन सा, कौन सा, कोलडीहवा, यहीं से खेती के साक्ष्य मिले थे ना, किसके, खेती के साक्ष्य, कौन सा खेती की गई थी, धान की, किसकी खेती, धान की। और ऐसे अगर खेती की बात की जाए तो कहाँ मिला था, मेहरगढ़, कहाँ पे, पाकिस्तान, अगर इस तरीके से। और वहां पे किसकी खेती हुई थी, गेहूं और जौ की, ठीक ना। अगर ऐसे कहते भारत में तो यहाँ पे कोलडीहवा किस चीज की, धान की। अगर पूछ ले कि सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिला, तो मेहरगढ़, कहाँ पे, पाकिस्तान, किसकी, गेहूं और जौ की साक्ष्य मिले कि भाई यहाँ पे खेती होती थी। लेकिन अगर भारत की बात पूछे तो कोलडीहवा उत्तर प्रदेश, किसकी खेती का, धान की खेती का, किसकी खेती का, धान की खेती का। चलो देखो यहाँ पे, अगर देखो एक चीज यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा आपको, हो सकता है ख्याल न पड़े,
कहीं पे हो जाता है कि दिमाग ना काम करता है, मतलब जो चीज याद ही नहीं वो भी भूल जाते हैं कहीं पेपर ऊपर में। देखिए खेती का प्रमाण, खेती के प्रमाण, ठीक ना, खेती के प्रमाण दो। अगर पाकिस्तान पूछ देगा, देखो सबसे पहले पूछ देगा तो पहला क्या नाम था उसका, पाकिस्तान, क्या नाम था उस देश का नाम, पाकिस्तान। कौन सा स्थान वहां पे, मेहरगढ़, ठीक ना। किसकी खेती, गेहूं और जौ की। कहीं कहीं पहले दे दिया जाता है कि जौ की खेती का प्रमाण मिला था ना, कुछ किताबों में दिया है कि गेहूं की खेती का प्रमाण मिला था ना, तो ऐसे सस्पेंस है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए, किसकी, भारत की, तो कौन सा क्षेत्र है, यूपी। भारत की कौन सा क्षेत्र, यूपी। कौन सा स्थान, कोल्डी हवा। कौन सा स्थान, कोल्डी हवा। किसका प्रमाण, धान की खेती का। किसकी खेती का, धान की खेती का, कहीं लिख लीजिएगा, ठीक ना, धान की खेती का प्रमाण मिला है, ठीक। अब समझ गए, इसको लिख लीजिए आप लोग कि कहाँ कहाँ पे खेती का प्रमाण मिला है। आप लोग रुक नहीं कि पूछ दे, अगर कहीं कोई सवाल पूछ दे, जैसे हमने बताया ना कि पशुपालन का। चलो देखो सबसे पहले देखो, विंध्याचल किस नदी के किनारे स्थित, कौन सी नदी, गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी के किनारे स्थित, ठीक ना, गंगा नदी के किनारे, ठीक है, गंगा नदी के किनारे। आई बात समझ में भैया, गंगा नदी के किनारे। दूसरी बात अगर पूछी जाए तो देखना, विंध्याचल का एक चीज है कि विंध्याचल एक रेलवे स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन। और इस स्टेशन से एक सवाल, ठीक ना, रेलवे स्टेशन से एक सवाल, जानते हो क्या, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक ना, भारतीय मानक की समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, ITS से इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, IST, इस विंध्याचल रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है, ठीक। अब समझे, विंध्याचल रेलवे स्टेशन से ही होकर भी गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, ठीक। ये चीजें हो गई। अब थोड़ा सा देखिए, एक चीज और देख लीजिए आप लोग, अभी पुराण की बात नहीं बता रहा, उसमें भी कुछ धार्मिक प्रवृत्तियां होती है, नहीं होता है कि जाते हैं लोग दर्शन करने, उसको भी बता दूंगा क्या क्या चीज है। सबसे पहले दूसरा देखो, हो गया, सुनो अब तीसरी कड़ी में देखिएगा, तीसरी कड़ी में आप लोग लिखते भी रहिए, थोड़ा सा उधर मिटा करके भी होता रहेगा, ठीक ना, हो गया। तीसरी कड़ी में देखना, तीसरी कड़ी में क्या, ये कोई एक पर्वतमाला नहीं बल्कि बड़ा है कि मध्य भारत के अनेक पर्वतमालाओं का एक समूह है, लिख लेंगे मध्य भारत के अनेक पर्वतमालाओं का समूह, मध्य भारत के अनेक पर्वतमालाओं का समूह है, कौन, विंध्याचल पर्वत। आगे समझे, अगला और कर आए कौन सा, देखो एक चीज, इतिहास से एक चीज जानते हो क्या, यहाँ पे एक जनजाति निवास करती थी, चौथी पॉइंट, यहाँ पे एक जनजाति निवास करती थी, जनजाति, यहाँ पे एक जनजाति निवास करती थी विंध्याचल में, ठीक ना, आए सुन में। और उस नाम, वहाँ के इस विंध्य नाम का शब्द क्या होता था, देखो इस विंध्य नाम का शिकारी लोग क्या समझते थे, देखो इस विंध्य नाम का होता था शिकारी, विंध्य नाम का मतलब शिकारी होता था, ठीक ना, विंध्य नाम का मतलब उनके लिए क्या होता था,
शिकारी होता था, जानते हो कौन सा? फार्मर नाम के शिकारी हुआ करते थे। वो जनजाति का नाम था फार्मर जनजाति। कौन सी जाति? जनजाति, फार्मर जनजाति। फार्मर नहीं, फार्मर तो संशोधित रूप है, जिस समय क्षेत्रीय बोलियां होते हैं ना, फार्मर जनजातियां रहती थी यहाँ पे। देखो अगली कड़ी में देखना, पांचवी में, ठीक ना। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक भूभाग है, वो यूपी और एमपी के बीच में, ठीक ना। आयो समझ में, क्या कहा जाता है वो भूभाग? देखना, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के मध्य में एक भूभाग है। क्या है? भूभाग, ठीक ना। इनके बीच का एक भूभाग है, जिसको जानते हो, किस नाम से जानते हैं? उसका नाम है भारनेर। कौन सा नाम? भारनेर के नाम से जाना जाता है। पूछेगा भारनेर कहाँ पड़ता है, तो वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का एक स्थित, बीच का एक भूभाग है, जिसको भारनेर के नाम से जाना जाता है। आयु समझे? और इस नाम को कहते हैं, इस भूभाग को कहते हैं भारनेर पहाड़ी। क्या कहते हैं? भारनेर पहाड़ी इसका नाम है। भारनेर पहाड़ी पूछ देगा तुरंत, आप जानिएगा कि इसी दोनों के बीच पूछ रहा है, और किससे जुड़ा हुआ है? विंध्याचल से। हो गया? अब देखो छठा, देखो छठवां नंबर पर देखिए क्या चीज है। ये क्या करता है? इसका पूर्वी हिस्सा, विंध्याचल पर्वत का पूर्वी हिस्सा जो है वह सतपुड़ा पहाड़ के आकार से मिलता है, ठीक ना। इसका पूर्वी हिस्सा कौन सा हिस्सा? पूर्वी हिस्सा सतपुड़ा पहाड़ियों के आकार से मिलता है। सतपुड़ा इसका पूर्वी हिस्सा सतपुड़ा पहाड़ियों के आकार से मिलता है, ठीक। एक लास्ट देखो, अब नोट करके क्या क्या लिखना है आपको, नोट करके क्या क्या लिखना है, जहाँ पे हम लिख रहे हैं वहाँ पे नोट करके लिखेगा। पहला, ठीक ना, नोट करके क्या पूछ सकता है, ठीक ना। किस तरफ, किस दिशा से आती हुई हवाओं को रोकता है? दक्षिण दिशा से। किस दिशा से? दक्षिण दिशा से। हो गया ना, दक्षिण दिशा से आती हुई हवाओं को क्या करता है? आती हुई हवाओं को रोकता है। अब नोट नंबर दो, हो गया। बिंद का सांस्कृतिक शब्द क्या है? संस्कृत में अर्थ, बिंद का संस्कृत में अर्थ होता है बाधित करना। अब नोट नंबर थ्री, बोले तीसरा नोट देखो, पुराण से क्या जुड़ा हुआ है? अगर पुराण की बात की जाए तो विंध्याचल के गुरु का नाम था अगस्त ऋषि। कौन सा ऋषि? अगस्त ऋषि। अब देखो अगस्तक था, अगस्त भी कहते हैं उसको। देखो एक चीज जानो, बात सुनेगा, विंध्याचल जो पर्वत है पुराण के हिसाब से, किसके हिसाब से? पुराण के हिसाब से। किसके हिसाब से?
पुराण जो नहीं देवी देवताओं की चर्चा की जाती है जिसमें जी, तो भगवान की जिसमें चर्चा होती है तो पुराण कहा जाता है ना, यानी पहले की जो वैदिक चीजों को देवी देवताओं की शक्तियों को कहा जाता है पौराणिक कही जाती है कहानी, ठीक है ना। अब देखो क्या है, तो विंध्याचल के देखो, विंध्याचल क्या थे, इनके कृषि थे, विंध्याचल थे कि क्या उनकी घटना थी कि वो अपने एक तीव्र गति से अपने वृद्धि यानी अपने लंबाई को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। उन्होंने सूर्य के मार्ग को भी रोक रखा था, सूर्य के मार्ग को भी क्या कर रखा था, रोक रखा था, लेकिन वो अपने गुरु जी के कहने पर या उनके आदेश के अनुसार उन्होंने अपनी लंबाई को क्या कर लिया, कम कर लिया था। कौन? विंध्याचल। अब देखो एक चीज, अगर पूजा पाठ करने के सिलसिले से बात की जाए तो यहाँ पे एक मंदिर है विंध्याचल में, क्या है मंदिर, ठीक है ना। और मंदिर के तीन स्थान, कौन सा स्थान, तीन स्थान है, ठीक है ना, कौन कौन सा, पहला दूसरा तीसरा, विंध्याचल के तीन मंदिर, ठीक है ना। पहला मंदिर कौन सा, विंध्यवासिनी मंदिर, कौन सा मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर, लिख लीजिएगा। विंध्यवासिनी मंदिर, ठीक ना। पूछेगा किसकी प्रतिमा है, माँ दुर्गा की, ठीक ना। अब इसके बाद दूसरा कालीखो मंदिर, काली हो मंदिर, दूसरा मंदिर की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे महाकाली मंदिर है, महाकाली का। तीसरा मंदिर पूछते तो कृष्णा मंदिर, कौन सा मंदिर, कृष्णा मंदिर, ठीक ना। यहाँ पे बताया जाता है कि कंस से बचने के लिए वो क्या थे, उनकी सिस्टर भाग करके आई थी देव की, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे किसको समर्पित है, सरस्वती जी को। हाँ समर्पित सरस्वती जी। सरस्वती माँ अच्छा है, देवी का दीजा की प्रतिमा, ठीक ना, देवी सरस्वती की प्रतिमा। ये तीन मंदिर हैं। अब एक चीज और आप लोग देख लीजिए, बहुत छोटा सा चीज पड़ा हुआ है, विंध्याचल पर्वत से जुड़ी हुई नदियां, विंध्याचल पर्वत से करा है कि विंध्याचल से जुड़ी हुई नदियां, ठीक है भैया। देखो बोर्ड पे विंध्याचल से जुड़ी नदियां, देखो बोर्ड पे कितने नदियां जुड़ सकते हैं विंध्याचल से, कितनी नदियां, देखो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ नदियां जुड़ी हुई हैं विंध्याचल से। चलो लिखो, पाला नदी, पाली नदी, काली सिंध नदी, पाली नदी का नाम काली सिंध, जो विंध्याचल पर्वत से जुड़ी हुई है, काली सिंध नदी। दूसरी नदी का नाम पार्वती नदी, एक बार तो मैं पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगों को, पार्वती नदी। तीसरी नदी का नाम बेतवा नदी, बेतवा नदी हो गया ना। चौथे नदी का नाम केन नदी, चौथी नदी का नाम केन नदी, पांचवी नदी का नाम सोन नदी, पांचवी नदी का नाम सोन नदी, छठवीं नदी का नाम तमसा नदी, तमसा नदी,
छठवीं नदी का नाम तमसा नदी हो गया ना। सातवीं नदी का नाम परवन नदी, सातवीं नदी का नाम परवन है, परवन नदी। आठवीं नदी का नाम नवेज नदी। ठीक है, पार्वती के सहायक नदी चंबल होती है, चंबल में जाकर के मिलती है, समझ बात को, नवेज नदी। ये सबका कहीं ना कहीं उद्गम विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र से है, ठीक ना। इन नदियों का कहीं ना कहीं उद्गम कहाँ से है, विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र से। नहीं, कुछ मामलों में नहीं, जैसे नहीं होता है कि गंगा नदी में कई ठो नदियाँ होती हैं, जैसे राम गंगा बताया ना एक बार कि गंगा नदी की कितनी नदियाँ हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में बताते हैं, अभी आपको पढ़ाएंगे तब, कि कौन सी नदी है सबके बारे में, काली नदी कौन सी है, तो सिंध नदी कौन सी है, ठीक है। बस करो आप लोग इतना आज।